चलिए अब एक नई स्टूडेंट से मिलते हैं जिन्होंने निमसेट 22 पे टॉप रैंक लिए, 48 रैंक है, सुभि गुप्ता से जो कि अम्बेडकर नगर यूपी से हैं। तो सुभि, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया 48 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू सो मच सर। सर ये मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता आपके और प्रतीक सर के बिना, क्योंकि आपके लॉजिक्स और ये जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो आपने बताई हैं उनके उनसे ही हुआ है। और आपको पता ही है कि मतलब मेरा ड्रॉप रहा है, तो लास्ट टाइम मेरी बहुत सी मिस्टेक्स थी उसमें, मतलब दो मेजर मिस्टेक्स थी कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था और सेकंड की मतलब अटेम्प्ट टेक्निक ही नहीं पता था, मतलब टफ क्वेश्चन भी पहले राउंड में अटेम्प्ट कर लो और उसी में फंसे रहो, ऐसा सब कुछ बहुत ज्यादा ही हुआ था। तो लास्ट टाइम कुछ प्रैक्टिस ही नहीं था तो उससे बहुत लॉस हुआ ये सब। तो सुभि, जैसे आपने खुद ही बोला आपने लास्ट टाइम दिया था, पर क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ट्रिक्स, लॉजिक्स ये सब क्लियर नहीं थे, इसलिए आपका अच्छा रैंक नहीं आ पाया। फिर आपने ड्रॉप लिया, तो जब आपने ड्रॉप का मन बनाया तो किसी तरह का कोई प्रेशर था क्या? और फिर पूरे साल आपने किस ढंग से पढ़ाई की, जो आपकी सक्सेस जर्नी है, मैं चाहूंगा कि आप वो बताएं। यस सर, ड्रॉप के टाइम पे मतलब घर से तो सपोर्ट था, बट हम ही थोड़ा ऐसे था कि ले कि ना ले या फिर कोई और कॉलेज के लिए, तो हम डी मतलब डीयू का भी देना था एग्जाम, तो उस एग्जाम को देने तक हम रुके हुए थे कि डीयू का दे देते हैं देखते हैं फिर, तो फिर ड्रॉप लेना रहेगा तो ले लेंगे, क्योंकि एनआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है। और आपकी तो जो वो बात थी कि एक साल ही सब बचा लेगा और ऐसा सब चीज, तो ये हमेशा रहता था। तो मतलब घर पे तो सब बोल रहे थे कि जो होगा देख लेंगे, दे देना ड्रॉप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फिर ड्रॉप हुआ, फिर ड्रॉप लिए, फिर आपका कोर्स लिया, हम अक्टूबर में ही लिए थे कोर्स, इस अक्टूबर 21 में। तो फिर मतलब ऐसे ही रहा है, मतलब पढ़ाई में मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा रहता था कि इतना मतलब इतनी लंबी लंबी क्लासेस चलती थी, कभी कभी 2 आवर्स की क्लास होती थी, तो उतना पूरा बैठ नहीं पाते थे, तो लगता था कि कैसे होगा, बहुत बार डिमोटिवेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट मतलब सब चीज हो जाता है ऐसा, मतलब चलते रहो तो सब कुछ होता रहता है। एक बार ऐसा हुआ था कि आपसे बात कर रहे थे, मतलब 15 दिन हो गया था मुझे, तो आपसे बात करे तो मतलब वो बात करने के बाद तो मुझे लगा कि हाँ मतलब सर आपने मेरे से पूछा था कि कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, तो मतलब एक एग्जाम एक मॉक टेस्ट हुआ था मेरा उस टाइम पे, तो हमको यस सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब मार्क्स तो इतने नहीं आ रहे थे बट कॉन्फिडेंस तो आ रहा था। तो ऐसा हुआ था बहुत बार। और प्रतीक सर की भी बहुत सी बात, प्रतीक सर हमेशा बोलते थे कि देखो जितना करोगे उतना ही मिलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला है, ये चीज हमेशा रहता था मन में कि जितना कर रहे हैं उतना ही मिलेगा। और मेरे मॉक टेस्ट होते थे तो लास्ट के मॉक टेस्ट में जितना मार्क्स मुझे आ रहा था, मेरा फाइनल में भी असली मतलब जो रियल एग्जाम में भी उतना ही आया है अप्रॉक्स मार्क्स। कितने मार्क्स थे आपके अभी, कितने मार्क्स हैं आपके बेटा 48 रैंक पे? 703.5। वेरी गुड। तो सुभि, आपके अंदर कभी, क्योंकि ड्रॉप वाले बच्चों को कई बार डर बहुत लगता है, फियर बहुत होता है उनको, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ क्या? क्योंकि कई बच्चे जानना चाहते हैं। यस सर, बीच बीच में तो बहुत बार होता था कि अगर अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर रहता था कि डीयू दे देंगे, फिर ये भी रहता है कि डीयू तो थोड़ा सा और टफ होता है एनआईटी के कंपैरिजन में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा, नहीं लगा आपको? फिर यही रहता था, बट कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम होता था, बट चलते रहो तो सब हो गया है, बस ऐसे ही। बिल्कुल सही बात बोली सुभि, मॉक्स देना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसका एनालिसिस आपने करना। मॉक को लेके आप जरूर बताइए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मॉक और उनके एनालिसिस है, वो कैसे करते थे आप? सबसे यही है कि जब लास्ट टाइम हम दिए थे तो मॉक्स, एक भी मॉक्स मैंने दिया ही नहीं था, तो मतलब उसका तो सबसे बड़ा लॉस दिखा मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा रैंक था 5600 कुछ रैंक था, तो बहुत। आपकी रैंक 5600 थी, आज आपकी 48 रैंक है, आपने 5000 रैंक से सीधे 48 रैंक पाया, यानी 100 से भी ज्यादा टाइम आपने इंप्रूवमेंट किया, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी मतलब थोड़ा मेरा इम्यूनिटी भी थोड़ा मतलब वीक है, तो तबीयत भी मेरी बहुत खराब रही है बीच में, तो मेरा ये रहता है कि अगर तबीयत खराब है तो क्लासेस अटेंड कर लो लेकिन आराम करो, एक्स्ट्रा स्टडी मत करो, बट कंटिन्यूटी बना रहे कि क्लास ना मिस हो, बाकी अपना सेल्फ स्टडी 2 दिन रेस्ट करने के बाद स्टार्ट कर लो। तो ये मेरा हमेशा रहता था कि अगर तबीयत खराब है तो बंद कर दो कॉपी बुक, रेस्ट कर लो, क्योंकि माइंड नहीं अगर रेस्ट करेगा तो जो पढ़े वो जाएगा
ही नहीं दिमाग में और उसका कोई यूज नहीं रहेगा फिर। तो ये तो मेरा हमेशा रहता था कि अगर कुछ है तो थोड़ा रिलैक्स हो लो पहले। इतना प्रेशर हम अपने आप पे कभी बनाए ही नहीं कि मेरे प्रेशर रहे। एग्जाम टाइम के भी बीच में आराम से पेपर मतलब हो रहा था, नहीं भी हो रहा था। स्टार्टिंग में मैथ्स के क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन ही मेरे से बने, तो मुझे लगा कि 25 ही हो रहा है। सर तो कहे थे कि 30 कर लेना पहले राउंड में, मेरे से 25 ही हो रहा है। तो हम कहे कि नहीं अभी हो सकता है कि हो जाए। लास्ट में सर बोले थे 3-4 राउंड मतलब जाना मैथ्स में, तो तब तब मैंने 42 अटेम्प्ट करा जिसमें से 40 राइट है। तो फिर ऐसे हो गया, तो हो बहुत ही जाता है अच्छी। राउंड राउंड में अगर पेपर राउंड। दें और थोड़ा पैसेज बनाए रखें तो सब कुछ हो जाता है। और जैसा आपने बताया हाँ कि आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसके बाद भी आपने एक तो क्लास अटेंड करी, टेस्ट पेपर दिए और अपने आप को बनाए रखा। देखिए उसी का नतीजा है, 5600 से 48 रैंक तक आना। कई बच्चे तो घबरा जाते हैं, पर आपने एक बहुत हिम्मत का काम किया और इतनी अच्छी रैंक अचीव की। अब ऐसे ही आपको आगे NIT में भी जाके परफॉर्म करना है। अच्छा यस सर। सुबी, आप अभी आप इनफैक्ट अवार्ड सेरेमनी में आने ही वाले हैं भोपाल, पर अभी आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको या जो फाइनल ईयर में है, कि क्या बातें हैं जो इनको जिनको उनको ध्यान रखना चाहिए? मतलब पहला तो ये कि प्रेशर बिल्कुल भी ना ले, मतलब फ्री माइंड से पढ़े तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही, और हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता ही है। अभी आज नहीं मिला है, ड्रॉप लेने के बाद मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो ये तो पक्का ही रहता है। और मॉक्स पे वर्क करे सबसे ज्यादा तो, और मतलब नोट्स अपने ज्यादा देखे। मैंने कोई भी मतलब बुक सॉल्व ही नहीं करी, सिर्फ आपके नोट्स, और यही से मतलब इसी से मेरा पढ़ाई हुआ है पूरा। जो भी रिजल्ट आया सब इसी से है, और किसी चीज और मतलब कोई भी बुक नहीं, सिंगल बुक, NCERT भी नहीं, कोई बुक नहीं। तो इम्पीटस आप ग्लोबो हमेशा का मटेरियल बोलते अपने आप में थे इतना ज्यादा है कि कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए करते हैं। तो एनीवे आपकी बहुत अच्छी चीजें आपने बताई बच्चों को और मुझे पूरी उम्मीद है वो इनको फॉलो करेंगे। सुबी तो वन अगेंस्ट, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।